एक 64K वाली दो हेलो गाइस कैसे हो आप सभी लोग वेलकम टू दी अनदर एपिसोड क्रैकपैक 3। तो गाइस मैं आज चिकन बनाऊँ यार, क्या मस्त लग रहा है भाई। ये देखो कितना छोटा सा है, ये कहीं भी घुस जाएगा ये। अरे भाई बहुत बढ़िया यार, क्या मस्त लग रहा है। उड़ता भी है ये? ओ उड़ता नहीं है, ये बस इतना ही होता है। चलो यार गाइस, तो आई होप कि यार आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज हम कुछ क्राफ्टिंग व्राफ्टिंग करने वाले हैं, और क्राफ्टिंग में आज हम कुछ चीज़ें बनाएंगे जिसको हम कंप्यूटर बोल सकते हैं। मैंने बोला था कि भाई ये स्टोरेज को हम करने वाले हैं पीछे, क्योंकि इस स्टोरेज में अगर आप देखोगे तो इसमें स्टोरेज की कैपेसिटी जो है वो है 22,000। ठीक है, वैसे 22,000 कम नहीं होती, लेकिन अभी जो हम स्टोरेज बनाने वाले हैं वो है 64K, यानी कि 64,000। और बहुत ही कम चीज़ें हमें बनानी पड़ेंगी, और उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं भाई। मतलब इसका 3 गुना हो गया वो, ठीक है। और उसके अलावा हम अगर डिस्क स्पेस देखें, तो डिस्क अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आप सबसे हाईएस्ट डिस्क देख सकते हो, 4096K फ्लूडिक स्टोरेज डिस्क। तो देख सकते हो कितनी बड़ी डिस्क जो हम यहाँ पर बना सकते हैं, जो सबसे हैवीएस्ट है। बट हमें जो है 64K स्टोरेज वैसे काफ़ी है यार, इतना ज़्यादा एडवेंचर भी नहीं कर पाएंगे हम जितनी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी दिखाई है। तो हम ये 64K वाली ही डिस्क बनाएंगे, बट उससे पहले हमें अपना कंप्यूटर बनाना पड़ेगा। तो कंप्यूटर बनाने के लिए हमें क्राफ्टिंग ग्रिड बनाना होगा, जो कि हमारा मेन कंप्यूटर होगा, जिसको हम वर्क बेंच भी बोल सकते हैं। जैसा कि ये हमारी वर्क बेंच है और ये हमारा स्टोरेज है जिससे हम एक्सेस करते हैं। तो अगर हम कंप्यूटर की भाषा में बोला जाए तो ये जो नीचे वाला है जो हम जिससे हम एक्सेस करते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं पावर कंट्रोलर। ठीक है, इसको हम कंट्रोलर बोल सकते हैं। और जो उसके ऊपर लगा जिसको हम ये वर्क बेंच बोलते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं क्राफ्टिंग ग्रिड, यानी क्राफ्टिंग टेबल भी बोल सकते हैं, लेकिन ये क्राफ्टिंग ग्रिड होता है क्योंकि ये एक स्टेप टेक्नोलॉजी से आगे चला जाता है, मतलब टेक्नोलॉजी में आ जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो हमें ये जो स्टोरेज लगेगा उसको बोलते हैं हम डिस्क ड्राइव। ठीक है, डिस्क ड्राइव बोलते हैं। इसके अंदर ये सारे के सारे डिस्क जो है ना लगेगी एज ए सर्वर की तरह। ठीक है, जैसे आप रैम लगाते हो ना आप अपने CPU में, तो इसी तरह से ये डिस्कें लगेंगी हमारी डिस्क ड्राइव में। तो चलो यार बनाते हैं फटाफट। मैंने कुछ चीज़ें बना के रखी हुई है, कुछ चीज़ें हमें क्राफ्ट करनी पड़ेगी। और उसके अलावा गाइस हमें एनर्जी कॉन्डुइट चाहिए। अब मैं ये एनर्जी वाले एंडर एनर्जी कॉन्डुइट क्यों बना रहा हूँ, मैं ये आपको बात बताता हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पे कॉन्डुइट सर्च करूँ तो इसमें काफ़ी तरह के कॉन्डुइट है। देखिए, एनर्जी कॉन्डुइट है जिसका आउटपुट जो है 64 वोल्ट का है। और अगर हम यहाँ पर इनहेंस एनर्जी कॉन्डुइट देखें तो इसका 5120 है। और अगर हम यहाँ पे एंडर एनर्जी कॉन्डुइट देखें ना, उसका मैक्स आउटपुट 20,000 है भाई। तो मतलब ये वाला OP है, तो हमने ये वाला बना दिया है और इसको रिप्लेस भी कर दिया है। बाकी ये दो कौन से हैं इनका पता नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है। तो देखिए गाइस, मैंने जो है उनको रिप्लेस कर दिया है इसमें। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा गाइस, अगर मैं आप लोगों को एक जगह पे लेके चलूँ, यानी कि जहाँ पे मैंने ये सेटअप किया हुआ है, देखिए इसमें ना बार बार एनर्जी चली जाती है और एनर्जी आ जाती है यार। ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रही, अगर आप लोगों को पता है तो यार बताओ यार, ये एनर्जी इसके अंदर से बार बार क्यों चली जाती है लावा की। ठीक है, और फिर होता क्या है जब ये एनर्जी चली जाती है, तो वैसे तो इसमें चलो एनर्जी फिल हो रही है, और कभी कभार क्या होता है, जब मैं आया था ना तो ये बिल्कुल ऑफ होया पड़ा था, मतलब इसकी पूरी एनर्जी ख़त्म हो रखी थी, इसकी पूरी एनर्जी ख़त्म हो रखी थी, जैसे कि अभी ख़त्म हो रखी है। तो अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ लावा पॉइंट पे। तो गाइज हम अपने लावा पॉइंट पे आ चुके हैं। तो ये भी यार गाइज बिल्कुल बंद पड़ा था, वैसे ये तो अभी चल रहा है, बहुत अच्छी बात है चल रहा है, और ये भी बिल्कुल मैक्स हो चुका है इसका आउटपुट भी। तो गाइज क्या हुआ था कि ये है ना मतलब बंद हो गया था, बिल्कुल ही ऑफ हो गया था। तो मैंने क्या किया, जैसे कि कोल जनरेटर होता है ना, जो कोल जनरेटर को मैंने यहाँ पे लगाया और उसको एनर्जी दी, पहले मैंने इसको एनर्जी दी यहाँ पे, फिर उसके बाद ये जो है ना वापस से ऑन हुआ, फिर मैंने उसको हटा दिया। यानी कि कभी कभार मुझे ये बंद हो जाया करेगा बीच में, अब ग्लिच है या क्या, अच्छी तरीके से सेटअप नहीं हुआ, आई डोंट नो। वैसे तो मैंने पूरा अच्छी तरीके से सेटअप किया जिस तरीके से दिखाया गया है बाकी की वीडियोज़ में।
तो बार बार मुझे ये चीज करनी पड़ा करेगी गाइज, यहाँ पे मुझे वो कॉल जनरेटर लगा करके और इसको पावर देना हो करेगा, मतलब डायमेंशनल ट्रांसीवर जो है ना इसको पावर देना हो करेगा मुझे बार बार आ करके। तो चलो कोई बात नहीं यार, ये तो चलो ठीक है, अभी घर पे चलते हैं वापस। तो गाइज अभी हम आ गए हैं घर पे और अभी यहाँ पर हम अपने जो है स्टोरेज बनाने वाले हैं। और गाइज यार प्लीज़ अगर आप लोगों को पता चले तो बताना यार, अभी देखो वापस से इसमें लावा आ गया, आई डोंट नो क्या चल रहा है यार, ये बार बार चला जाता है, बार बार आ जाता है। और ये तो चलो पूरा का पूरा पावर मैक्स हो चुका है और अभी कुछ तो ग्लिच है वैसे उसके अंदर। तो गाइज अब हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें बनानी है, ठीक है। अभी हम पहले ये चीज़ें जो है ना ये चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि हमें पहले बनाना है ये कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, कुछ चीज़ें मैं बना चुका हूँ, जैसे क्वार्ट्ज, ये जो आयरन वाले क्वार्ट्ज हैं ये बना चुका हूँ मैं। और अभी देखते हैं इसमें मैकेनिक चेसी बनाने में क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो चलो पहले हमें कंट्रोलर चाहिए तो हम कंट्रोलर बनाते हैं। तो हमारे पास दो चीज़ें नहीं है, मैकेनिकल चेसी नहीं है, जिसके लिए हमें एक ये मैकेनिकल चेसी, वैसे मुझे दो तीन की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एक्स्ट्रा ही बना लेता हूँ, है ना, बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैकेनिकल चेसी बन गई हमारी और अब बनाते हैं हम कंट्रोलर। तो कंट्रोलर, अरे यार ये ख़त्म हो गई फिर से यार, ये बहुत झंझट है यार इस चीज़ का, ख़त्म हो जाते हैं बार बार। चलो बना लेते हैं इनको, थोड़े से एक्स्ट्रा ही बना लेते हैं ताकि हमें आगे जाके इनकी ज़रूरत पड़े तो मिल जाए हमें। चलो काफ़ी बना लिए वैसे हमने, ऑलमोस्ट 40 के करीब बना लिए। तो अभी वापस से हम बनाते हैं अपना कंट्रोलर। तो अब हमारी एक चीज़ कम है, एडवांस प्रोसेसर। तो एडवांस प्रोसेसर को बनाने के लिए एडवांस स्मेल्टर में रखना पड़ेगा रो एडवांस प्रोसेसर को। तो रो एडवांस प्रोसेसर बना लेते हैं भाई, थोड़े से इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, 10 बना लिए मैंने। तो ये बहुत ही जल्दी बनेंगे गाइस, और सिंपली हमें इसको इसमें रखना है और देखना है कितनी जल्दी बनेंगे। ओके, ये देखो कितनी जल्दी बन रहे भाई, बूम, 9 बने, 10 बन गए। चलो देखा आप लोगों ने, ये होता है मैक्स पावर आउटपुट। तो चलो इसको रख देते हैं, अब जो चीज़ हमें बनानी है वो बनाते हैं, पावर ग्रिड। तो भाई पहली चीज़ हमारी जो है बन गई है, तो अब हम इसको जो है अब हमें चाहिए क्राफ्टिंग ग्रिड, ठीक है। अब क्राफ्टिंग ग्रिड बनाने के लिए हमें ये चीज़ें बनानी पड़ेंगी और पहली चीज़ है ग्रिड, ठीक है। तो ये ग्रिड बनानी पड़ेगी हमें और फिर उसके बाद हम क्राफ्टिंग ग्रिड बना सकते हैं। तो ग्रिड बनाने के लिए देखा फिर से मैं कह रहा था ना चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई ये अलग अलग कलर के हैं, ये बनाना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए हमें ये गोल्डन वाले बनाने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, ये एक्स्ट्रा बना लेता हूँ मैं, क्योंकि जब हम डिस्क बनाएंगे ना तो उसमें भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो 9 हो गए और ये हो गया 10, तो 10 बना, ओ 12 हो गए ना, अरे यार चलो कोई नहीं 12 ही बना लेते हैं। ओके, तो इसको धड़ाम से डालना है इसके अंदर और ये बनना शुरू हो जाएगा। जब तक ये बन रहा है जब तक हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें और भी चीज़ें बनानी है, तो और भी अलग अलग कलर के बनाने हैं हमें। तो रेड वाला बना लेते हैं, ओ रेड वाले के लिए बेसिक प्रोसेसर, ओके बेसिक के लिए ये बनाना पड़ेगा। ओ भाई ये तो भाई नचा रहा है। ओके कितने हो गए, ये हो गए हमारे 8, 9, 10। चलो तो अभी जो है ये बन सकता है, वैसे ये ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है बहुत। अच्छा ये तो बना ही नहीं ना हमने, हाँ एक ये बन गया, एक एक्स्ट्रा बना लेते हैं ना, या 4 बना लेते हैं, हमें जब डिस्क में भी चाहिए होंगे तो थोड़ी आसानी हो जाएगी हमें। तो रेड वाले भी 4 बना लेते हैं, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। तो अभी आई थिंक हमारा ग्रिड जो है बन सकता है, तो ग्रिड हमारा बन गया भाई। तो इस ग्रिड को हम डाल देते हैं अंदर, क्योंकि हमें बनाना है क्राफ्टिंग ग्रिड और ये है ग्रिड। तो एक वर्क बेंच भी बनानी पड़ेगी। अरे भाई ये क्या है, वुड प्लैंक नोर, अच्छा वुड प्लैंक नहीं है मेरे पास, व्हाट, अरे पड़े तो है भाई वुड प्लैंक, क्यों तो बन क्यों नहीं रहा फिर ये। एक क्राफ्टिंग टेबल बना के ऐसे ही रख के देखूं, ओके रुको, चलो बन तो गया भाई यार, ये भी ना पता नहीं क्या, बाकी की चीज़ें इसमें डाल देता हूँ मैं। तो जो दो चीज़ें गाइस हमारी बन चुकी है, अब बनाना है हमें डिस्क ड्राइव। चलो डिस्क ड्राइव आई थिंक इजी बन जाएगा, क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें बना ली हैं। ओके एक चेस्ट, अच्छा ये तो हमारे पास बना हुआ है, तो ये भी बनी हुई है हमारे पास एक, तो सिंपल बन गया। तो हमारे पास गाइस इसमें आ चुकी हैं 3 चीज़ें और अब हमें बनानी है सबसे मेन और सबसे टफ चीज़, यानी कि डिस्क ड्राइव। अब देखो गाइज हमें 64K की एक स्टोरेज बनानी है, अब उससे पहले कुछ 3 डिस्क हैं वो बनानी पड़ेगी, यानी 1000 की,
4000 की, 16000 की, फिर उसके बाद हम बना पाएंगे 60K की, 64K की। आप देख सकते हो ना, इसके अंदर देखो बनाने के लिए स्टोरेज हाउसिंग, अरे स्टोरेज हाउसिंग और स्टोरेज हाउसिंग बना के, अगर एक स्टोरेज हाउसिंग तो बनाना ही पड़ेगा भाई, और फिर उसके अंदर लगेगी एक 64K स्टोरेज पार्ट, ठीक है, और ये पार्ट बनेंगे कुछ इस तरीके को। भाई ये तो बड़ा टफ है यार। तो चलो यार फिर बनाते हैं एक स्टोरेज, क्या था ये, स्टोरेज हाउसिंग। तो 1, 2, 3, 4 मैंने 4 बना लिए ये स्टोरेज हाउसिंग। अब बनाते हैं ये स्टोरेज पार्ट, ठीक है। अब स्टोरेज पार्ट बनाने के लिए ये 4 तो हम बना चुके थे, ठीक है। अब हमें बनाने हैं ये गोल गोल 3, यानी 16K स्टोरेज वाले बनाने हैं, और 16K स्टोरेज वाले बनाने के लिए हमें 4K स्टोरेज बनाने पड़ेंगे, और 4K स्टोरेज बनाने के लिए हमें 1K स्टोरेज बनाने पड़ेंगे, यानी भाई शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी भाई साहब। और इसके लिए हमें फिर से जाना पड़ेगा रो बेसिक प्रोसेसर में, और अगर हम इसमें देखें तो अरे इसमें भी बन सकता है। तो भैया रो बेसिक प्रोसेसर बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो चलो यार बना लेते हैं फिर रो बेसिक प्रोसेसर, कहाँ पे है भाई। तो इसको हम इसमें बना सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाएगा इसमें भी। तो देखते हैं भाई इसकी भी, इसको भी टेस्ट कर ही लेते हैं, देखो कितना सही वो जल्दी जल्दी बन रहा है। अगर मैं इसके आधे निकाल के इसमें डाल दूँ तो और जल्दी हमारा काम हो जाएगा भाई। देख रहे हो, ओ भाई क्या पावर है यार, मैं तो फैन हो गया इस पावर का। और भी है क्या, नहीं है। तो 4-7 बन गए हमारे, चलो बहुत बढ़िया। तो इनको इसके अंदर डालते हैं, इनको इसके अंदर डालते हैं, इसको भी इसके अंदर डालते हैं। तो अब बनाते हैं हम वापस से, एक मिनट इसमें जाके बनाता हूँ। तो ये बनाते हैं, ये बनाना पड़ेंगे अब हमें कितने, 3, 1 भाई एक एक करके बनाना पड़ेगा क्या। तो लो गाइस हमारा 64K वाले स्टोरेज के हम एक स्टेप और पास आ गए। अब ये वाले 3 बनाने हैं, तो एक बनाया भाई, व्हाट इसका मतलब, मुझे वो 3 बनाने थे। बड़ा टफ है यार ये तो, फिर से बनाने पड़ेंगे मुझे शुरू से यार, ऐसे ऐसे मुझे 3 बनाने पड़ेंगे। चलो फिर बनाते हैं, क्या दिक्कत है। सो गाइस वी आर बैक, और अभी हम बनाने वाले हैं 16K वाला स्टोरेज। तो मैंने गाइस क्या किया है कि मैंने ना एक्स्ट्रा बना लिए, अब की बार हम एक नहीं 2 डिस्क बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये एक बनेगा, और फिर ये एक और बनेगा। ओके मेरे ये ख़त्म हो गए हैं एडवांस प्रोसेसर, तो ठीक है बना लेते हैं। 1, 2, 3 3 ही बने क्यों भाई, क्या ख़त्म हो गया, एक मिनट देखना पड़ेगा क्या ख़त्म हो गया। ओ सिलिकॉन ख़त्म हो गया मेरा, ठीक है सिलिकॉन लेके आते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा सिलिकॉन पड़ा था, 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सिलिकॉन, ये रहा 51, और ये प्रोसेसर अब जाके डलेंगे हमारा 16K वाले स्टोरेज में। और बस ये एक और बनाना है, और हम आ चुके हैं पूरा का पूरा पास में बिल्कुल। अब गाइस देखो ये बनाने के लिए, ये तो हमारे पास बनी हुई है स्टोरेज, क्या करके थी वो स्टोरेज, ये तो रही 1, 2 तो 2 लेंगे हम। तो गाइस 16K वाली एक, 64K वाली 2। तो गाइस 2 हमारे पास सीढ़ियाँ हो चुके हैं, यानी कि हमारे पास ऑलमोस्ट 128 के स्टोरेज हो चुका है। तो गाइज मैं यहाँ पर ये स्टोरेज जो है फिट करने वाला हूँ, और इसको फिट करने के लिए बहुत ही इजी है, आपको बस इस शावल को पहले तो ऐसे करो, यहाँ पे से थोड़ा सा स्पेस बनाना है आपको पहले तो, ताकि आप वायरिंग जो है कर सके। यार मैंने ये क्यों तोड़ दिया, मैं बेवकूफ़ हो गया। तो यहाँ पे लगाते हैं, और यहाँ लगाना चाहता हूँ, ओके ये लग गया, ठीक है। इस वाले को भी हटा लेते हैं, थोड़ा सा और स्पेस बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास बहुत अच्छा स्पेस आ चुका है, तो अभी हमें अपना एनर्जी कॉन्डुइट यानी एक वायरिंग लेके आनी पड़ेगी। तो कॉन्डुइट हम अपने यूज़ करेंगे ये वाले एंडर वाले, क्योंकि इसमें बहुत हाई पावर है, ठीक है। और उसके अलावा एक मिनट रुको खाना खा लूँ। तो गाइस हमारा चीज़ें जो है बिल्कुल बन चुकी है, तो हम यहाँ पर लगाने वाले हैं इनको, ठीक है।
तो मैं क्या करूँगा, मैं उल्टा करूँगा थोड़ा सा, यानी कि मैं कंट्रोलर को जो है ऊपर रखूँगा कुछ इस तरीके से। यार मैं बैग को यहाँ नीचे रखता हूँ, इसको ऊपर रखता हूँ। तो पहले मैं लगाऊँगा कंट्रोलर, कुछ कहाँ पे लगाऊँ, यहाँ लगाता हूँ। ठीक है, ये लग गया हमारा कंट्रोलर। ठीक है, अब हमें लगाना है इसके ऊपर, एक मिनट, कंट्रोलर शायद मैंने ऊपर लगा दिया, वैसे हमें नीचे लगाना था यार। तो कंट्रोलर हमें नीचे लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो गाइस कंट्रोलर के अंदर भी पावर आती है, देखिए इसने पावर लेना शुरू कर दिया है लगते के साथ ही। तो अब हमें लगाना पड़ेगा क्राफ्टिंग ग्रिड। ठीक है, अब ये लगा क्राफ्टिंग ग्रिड, और अब हम लगाते हैं डिस्क ड्राइव। तो ये लग गया डिस्क ड्राइव। तो गाइस सभी के अंदर पावर आ चुकी है, इसमें भी पावर आ चुकी है, आप देख सकते हो इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज हो गया है। और इसमें तो खैर पावर आ ही चुकी है, इसमें वैसे ज़्यादा पावर नहीं है बट ठीक है। और इसमें देखिए क्राफ्टिंग ग्रिड 1 लग चुका है, डिस्क ड्राइव 1 लग चुका है, और ये दिखा देता है कि आपने क्या क्या चीज़ें इसमें कनेक्ट करी है। ठीक है, और अब मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ डिस्क। तो गाइस देखिए डिस्क जो है ना हम इसके अंदर डाल सकते हैं ऐसे करके। और इसमें देखिए मैंने 64K वाली डिस्क डाली, तो यहाँ पर स्पेस दिखा दिया उसने। अगर मैं यहाँ पे एक और डाल देता हूँ तो ये 128K का स्पेस मुझे दिखाता है। और ये देखिए भाई कैसी लग रही है, ये देखे लग रही है ना एकदम गजब की। देखो ये जैसे कि रैम लग जाती है ना कंप्यूटर में, कुछ कुछ ऐसे लगती है ये, तो बहुत ही ओपी दिखती है भाई ये, देख रहे हो। एक यार एक स्क्रीन शॉट बनता है। ठीक है, तो एक स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ। ओके गाइस, तो अभी मैं रेडी हूँ, स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया ताकि एक अच्छा सा थंबनेल बन सके आप लोगों के लिए। तो अभी क्या करना है इसमें, देखो इसमें मुझे मिलता है बहुत सारा स्टोरेज भाई साहब, देख रहे हो आप, मतलब बहुत ज़्यादा स्टोरेज मिलता है। साथ के साथ मुझे क्राफ्टिंग टेबल भी मिल जाती है, ये रही। तो इसमें हम ऐसे करके क्राफ्टिंग कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो इसमें भाई अब मैं अपनी चीज़ें भरना शुरू करूँगा, और शुरुआत करते हैं हम अपने इन बैग्स से, क्योंकि देख रहे हो कितना सामान है भाई हमारे बैग्स में। तो ये बैग्स खाली करने शुरू करता हूँ मैं, और इसमें बस बुके छोड़ के बाकी सब चीज़ें जो जो हैं मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ भाई साहब, ऐसे करके देख रहे हो। इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी हमें मिलती है ना भाई, वो बहुत ही ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा। और ये सब चीज़ें हमें मिली थी, अगर आप लोगों को पता हो तो, हम गए थे बहुत सारा एडवेंचर करने के लिए, तो हमें वहाँ पर मिली थी। और यार कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे उगाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि मुझे ये रेनबो फ्लावर मिला था, तो मैं ये रेनबो फ्लावर उगा के आता हूँ, और साथ ही देखते कि भाई हमारा वो स्पिरिट वाला जो पेड़ था वो हमने उगाया था वो क्या हाल है भाई। ये ट्री हेलो, ये क्या चीज़ है भाई। गैस ये आत्मा वाला पेड़ उगाया था हमने, ये पता नहीं कैसा बना है भाई, अजीब सा बना है। और ये हम यहाँ उगा देते हैं, एक यहाँ उगा देते हैं, एक यहाँ उगा देते हैं। ठीक है, तो ये भी उग जाएंगे अब। ये पेड़ भाई रेनबो पेड़ है, पता नहीं कैसे होते हैं, इनके अंदर से रोशनी निकलती है। तो इसको थोड़ा सा दूर लगा देते हैं हम यहाँ पे। और ये पेड़ भाई, इस पेड़ का कुछ पता, ओ ट्री होलो, इसके अंदर कुछ डाल सकता हूँ मैं। अरे क्या बात है भाई, इसमें तो मैं डाल सकता हूँ चीज़ें, लेकिन गाइस ये काम क्या आता है ट्री होलो। ये मैं लेके आया था एक दूसरी जगह से, देखो ये ओक वुड है वैसे तो, लेकिन बट ये कुछ तो है डिफरेंट। ये स्पिरिट सैपलिन था जो कि मुझे मिला था, बट ये काम क्या करता है गाइज, आप अगर आप लोगों को पता हो तो बताना, वरना हमें थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब बाकी की चीज़ें भी मैं खाली कर देता हूँ। तो गाइस देखिए ये गड़बड़ होती है यार, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या चक्कर है। देखो अब इसके अंदर तो एनर्जी है ही नहीं, और इसकी एनर्जी भी लो होती जा रही है। तो अब मुझे पता क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से ये जनरेटर लेके जाना पड़ेगा, कोल जनरेटर, और उसके अलावा एनर्जी कॉन्डुइट ले लेता हूँ। ठीक है, तो यार ये गड़बड़ हो रही है यार, और मुझे जाना पड़ेगा अपने लावा पॉइंट पर। तो भाई लावा पॉइंट पर आ गया हूँ मैं, और देखिए इसकी भी एनर्जी कम हो रही है यार, ये चीज़ समझ नहीं आ रही। अब मुझे पता क्या करना पड़ेगा इसको ठीक करने के लिए,
ये कॉल जनरेटर यहाँ पे सेट करना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है। और इसके अंदर कॉल डालो और ये जो एनर्जी कॉन्डुइट है यहाँ पे ऐसे करके फिट कर दो। इसको ऑन करके ऑफ कर दो। क्या ये पहुँचा रहा है? इसमें मुझे सीधा लगाना पड़ेगा ये। देखो अभी ये एनर्जी डाल रहा है इसके अंदर, और अब मैं घर पे जाके देखूंगा ना उसके अंदर भी लावा की एनर्जी आ गई होगी। तो यार ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मुझे बार बार आके इसको क्यों एक्टिवेट करना पड़ता है। इसको यहीं लगा रहने देता हूँ अभी के लिए मैं, है ना। और जाता हूँ वापस घर पे। देखो अभी इसके अंदर लावा आ गया। यार ये मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही कि भाई ये इन्फानाइट तो बन गया बट बार बार इतना ज़्यादा मेंटेनेंस क्यों मांग रहा है ये। अभी देखा था इस कंप्यूटर में भी लाइट चली गई थी यार काम करते करते, तो ये चीज़ नहीं समझ आ रही यार क्या चक्कर है। और इसके तो भाई अगर लाइट चली गई तो समझ लो आपका सारा सामान गया है एक तरीके से। अरे यार मेरी स्वॉर्ड, ओके मेरी स्वॉर्ड कहाँ गई भाई? कटाना, ये रही मेरी कटाना। चलो ठीक है अब बाकी का सामान भी मैं डाल देता हूँ उसमें। मैं सामान डाल ही रहा था अचानक बीच में ही पावर चली गई भाई। यार ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। वैसे यार गाइस इससे हमें एक सबक भी मिलता है, आप जितना मर्जी टेक्नोलॉजी में आगे चले जाओ अगर आपको ठीक से टेक्नोलॉजी नहीं पता नहीं आती तो भाई मुसीबत होने वाली है फिर समझ लो। सो गाइस अब हमारे सारे के सारे बैकपैक जो है ना खाली हो चुके हैं और बस इनके अंदर कुछ भी नहीं बचा है। बस ये वाले बैग के अंदर जो है ना बुक्स बची हुई हैं और इन बुक्स को भी मैं खाली करके ना इधर डाल देता हूँ क्योंकि मैं बुक्स वगैरह जो है यहाँ पे ही डालता हूँ। और आई थिंक मुझे लगता है ये भी फुल हो जाएगा। ओके ये भी फुल हो गया है, ये भी फुल हो गया है। अब मुझे एक चेस्ट और लगाना पड़ेगा भाई इनके लिए, बुक्स के लिए। तो आई होप कि मेरे पास चेस्ट पड़ा हो। ओके मेरे पास पड़े हैं 8 चेस्ट हैं मेरे पास। तो भाई ये वाला स्टोरेज भी काम आएगा हमारे, तो इसको मैं कभी हटाऊंगा नहीं। ये हमारा पहला स्टोरेज है और ये भी बहुत ही काम का है क्योंकि कई बार क्या होती है ना वो जब लाइट जाएगी ना उस स्टोरेज के अंदर, जब एनर्जी नहीं होगी उस स्टोरेज में, तो हम यहीं से ही काम चलाएंगे। और तब तक के लिए हम अपना वो ये वाला स्टोरेज यूज़ करेंगे। तो भाई सारे ही बैकपैक जो है ना खाली हो चुके हैं। अब इन बैकपैकों में किसी किसी बैकपैक में कुछ कुछ सामान भरा हुआ, जैसे इसमें बीटल जूस भरा हुआ है। भाई ये निकलता कैसे भाई? आई डोंट नो यार, मैंने आज तक अभी तक इसको निकाल के नहीं देखा। तो सारे के सारे बैग उठा लेता हूँ भाई मैं। देख रहे हो कितने सारे बैग हैं मेरे पास। तो इन सभी के सभी बैगों को मैं शल्कर बॉक्स में रखने वाला हूँ इस तरीके से। और ये हथौड़ा जो है ना यहाँ पे रखूँगा मैं ताकि मुझे याद रहे कि भाई इस हथौड़े के पीछे वाले बैग जो है ना वो सब भरे हुए हैं और ये सब खाली हैं। तो चलो इसका उठा लेते हैं शल्कर बॉक्स को भी। और ये यार एक बॉक्स है मेरे पास, अच्छा इसमें तलवार निकली। चलो इस तलवार को फेंकते हैं, मुझे पता है कचरा ही होगा ये। तो गाइज आज हमने बनाया अपना पावर ग्रिड। और गाइज इसमें जो है बहुत तगड़ा स्टोरेज कैपेसिटी मिल जाता है। आई थिंक ये कभी नहीं भरने वाला अब, मुझे ऐसा लगता है। तो इसमें और भी बहुत सारी सेटिंग्स होती है जो कि इसमें यहाँ पे होती है, तो इस सेटिंग को हम बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे क्योंकि मुझे पता है कि इसमें बहुत सारी ऐसी सेटिंग है जो मैं छेड़ दूंगा फिर बाद में करता रहूँगा उसको ठीक, और वो ठीक ही नहीं होगी। तो भाई अभी हम उस सेटिंग को बाद में देखेंगे। तो यार अगर आप लोगों को मज़ा आया ना इस वाली में क्राफ्टिंग में, तो भाई एक लाइक वाइक ठोक के जाए करो यार, ठीक है। और हम धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं भाई, और जल्दी हम मून पे जाने वाले हैं, यानी कि हम यहाँ पे जाएंगे भाई साहब। ये मून है ना जो अर्थ का, वैसे यार बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, वैसे हम मून पे जाएंगे। ये देखो ये रहा मून हमारे अर्थ के जो है ना, अभी हम अर्थ पे, इसके पास में मून है, तो इस पे बहुत जल्दी जाने वाले हैं गाइस हम। और भाई मैं फालतू की चीज़ें क्राफ्ट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ वही चीज़ क्राफ्ट करूँगा जो काम की है हमारी, जो काम आएंगी। और बाकी यार इसका कुछ देखना पड़ेगा, इसमें से ना बार बार एनर्जी भाग जाती है और बार बार आ जाती है, तो इसका भी थोड़ा देखना पड़ेगा भाई। तो आई होप यार आपको मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नए गेमिंग एपिसोड में क्रैकपैक 3 के। तो बाय गाइस, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। छाओ छाओ।